नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं आपका ही अपना YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पंचायती राज के एक विशेष टॉपिक जिसका नाम है 74वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों, हम लोग 73वां संविधान संशोधन तो पढ़ ही चुके हैं, जैसे कि 2 अक्टूबर 1959 को ये लागू हुआ था राजस्थान के जो नागौर ज़िले में, ठीक है ना। तो वो हो गया 73वां संविधान संशोधन। इस ये होता है केवल पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। लेकिन यहाँ तक तो पंचायती राज खत्म होता नहीं है, पंचायती राज में पटवारी में 74वां संविधान संशोधन से भी ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन आएगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं 74वां संविधान संशोधन, ये क्या है इसको हम थोड़ा सा इसके डिटेल्स पढ़ते हैं। भारत में शहरी स्थानीय शासन का आशय लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से किसी शहर क्षेत्रों के शासन से है। जो जैसे 73वां संविधान था वो ग्राम पंचायत क्षेत्र में था, ये है शहर या नगरीय क्षेत्र में, ठीक है। कितने प्रकार का होता है ये होता है दोस्तों 8 प्रकार का। 8 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला तो आता है नगर निगम, फिर आता है नगर पालिका, अधिसूचना क्षेत्र कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड, छावनी बोर्ड के बाद आता है टाउनशिप, टाउनशिप के बाद आता है पोर्ट ट्रस्ट, इसके बाद आता है विशेष उद्देश्य जो है एजेंसी। अब हम बात करते हैं इसके संवैधानिक दर्जा के मामले में। संवैधानिक दर्जा, शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा मिला। मतलब जैसे 73वां संविधान संशोधन है उसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला कब? तभी मिला 1992 में, लेकिन 73वें संविधान संशोधन के जरिए। इसमें मिल रहा है 74वें संविधान संशोधन के जरिए, ठीक है। अब इससे जुड़े 3 मंत्रालय आते हैं, ठीक है। 3 मंत्रालय कौन कौन से हैं? ये शहरी विकास मंत्रालय, इसका गठन किया गया कब? 1985 में। फिर आता है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय, इसको छावनी बोर्ड के मामलों से संबंधित रखा गया है। मतलब छावनी बोर्ड के संबंधित जितने भी कार्यक्रम होंगे या जो भी दिक्कत होगी वो रक्षा मंत्रालय सुलझाएगी, ठीक है। फिर आता है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय संघ राज्य क्षेत्रों के मामलों से संबंधित आता है, ठीक है। चलिए इसके आगे आता है ऐतिहासिक परिक्षेप्य, सॉरी परिप्रेक्ष्य। इसका मतलब क्या है? ऐतिहासिक मतलब ऐतिहासिक की दृष्टि से ये क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा सा इतिहास की दृष्टि से, ठीक है। तो शहरी स्थानीय शासन से जुड़ी संस्थाओं की उत्पत्ति और उनका विकास ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ सब कुछ लेके गए, अंग्रेज कुछ देकर भी गए हैं। तो हमारा जो नगरीय निकाय है ब्रिटिश शासन के दौरान ही हुआ है, ठीक है। वर्ष 1687 में भारत में पहली नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, पहले नगरीय निकाय निगम की स्थापना कब कहाँ हुई? ये हुई है मद्रास में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लेना। फिर आता है वर्ष 1726 ईस्वी में मुंबई और कोलकाता में हुई, ठीक है। सबसे पहले हुई 1687 में, फिर उसके बाद हुई 1726 में, कहाँ कहाँ हुई? मुंबई और कोलकाता में, ठीक है। स्थानीय शासन से जुड़ी संस्थाओं का विकास लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव 1870 के फलस्वरूप हुआ। यहाँ पर रुकिएगा 1 मिनट, लॉर्ड मेयो कौन है? सबसे पहले तो बात तो इन्होंने ही की थी पंचायती राज और नगरीय निकाय की, ठीक है, लेकिन ये जो क्या है लागू नहीं करा पाए थे। और फिर इसके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसलिए इनको जनक नहीं माना है, जनक माना है किसको? लॉर्ड रिपन को, ठीक है। फिर इसके बाद आता है लॉर्ड रिपन, देखो हम जो जिसकी बात कर रहे थे, लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव 1870 को स्थानीय शासन के मैग्ना कार्टर के रूप में जाना गया। बाद में उसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा गया। ये जब यही हम बात कर रहे थे ना कि भारत के जो पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन के पिता कौन है, तो वो है लॉर्ड रिपन, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत स्थानीय स्वशासन स्थानांतरित विषय बनकर जिम्मेदार भारतीय मंत्री के प्रभार में आ गया, ठीक है। फिर आता है भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया, ठीक है। ये हो गया प्रांतीय विषय, इसको क्या है? घोषित किया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है संवैधानिकीकरण कब हुआ? तो सबसे पहले इसका इतिहास होता है शुरू 65वें संविधान संशोधन से, ठीक है। ये नगर पालिका बिल प्रस्तुत हुआ था 1965
89 में सरकार कौन सी थी उस समय? राजीव गांधी की थी। ये लोकसभा में तो पारित हो गया था बहुत सारे बहुमत से, लेकिन राज्यसभा में ये पारित नहीं हो पाया। ठीक है, अब फिर संशोधित नगर पालिका बिल, ये प्रस्तुत हुआ सितंबर 1990 को। ठीक है, 1990 को ये प्रस्तुत हुआ, लेकिन उस समय तक तो लोकसभा ही भंग हो गई और विधेयक पारित होने से रहा। ठीक है, जब रहा ही नहीं लोकसभा तो फिर पारित कैसे होगा? ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर इसके बाद सितंबर 1991 में ये फिर से प्रस्तुत किया गया और ये लोकसभा में पारित हो गया 1992, मतलब 1992 को ये आखिरकार लोकसभा में पारित हो ही गया। फिर इसके तुरंत बाद दिसंबर में ही इसको राज्यसभा में पेश किया गया और यहाँ से भी वो जो है सो मतलब पारित तो हो चुका था। ठीक है, फिर राष्ट्रपति ने भी इसको अप्रैल 1993 तक अपनी सहमति दे दी थी। इसमें हम एक नोट करके लिखा है हम लोगों ने, नगर पालिका बिल संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1993 के रूप 1 जून के रूप में 1 जून 1993 से प्रभावी हो गया। ठीक है, तो अब जैसे क्वेश्चन आता है नगर पालिका बिल संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम के 1993 के रूप में कब लागू हुआ, तो हुआ 1 जून 1993 से जो है प्रभावी हो गया। अब आते हैं कि 74वां संविधान संशोधन के मतलब अंतर्गत कौन कौन सी समितियां बनाई गई, कौन कौन से आयोग का गठन किया गया। जैसे उसमें हैं बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता, ये सब हैं। ऐसे ही कुछ समितियां इसमें भी बनाई गई नगरीय निकाय से संबंधित। ठीक है, तो अब समिति कौन कौन सी हैं पढ़ लेते हैं हम लोग। समिति है पी के बट्टल समिति, 1949 से 1951 में आई। ठीक है, इनके लिए लोकल फाइनेंस इंक्वायरी कमीशन का नाम दिया गया। इनका काम क्या था? लोकल फाइनेंस और इंक्वायरी से संबंधित काम था। फिर आते हैं जान मताई, इनने 1953 से 1954 में अपना काम किया। इसको टैक्सेशन की इंक्वायरी से संबंधित रखा गया है। ठीक है, ये फाइनेंस के कर रहे हैं, ये कर रहे हैं टैक्स के संबंधित। ठीक है, फिर आती है नूरुद्दीन अहमद कमेटी, 1963 से 1965 तक ये रही। इनका काम था कमेटी ऑन द ट्रेनिंग ऑफ म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज, जो म्यूनिसिपल वो होता है ना नगर पालिका से संबंधित, उसके जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए इन लोगों ने जो विशेष अधिकार वगैरह के क्षेत्र में उन्हें बातें की थी। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है ए पी जैन कमेटी कब बनी? 1963 में बनी और 1966 तक इन्होंने अपना पूरा अध्ययन किया होगा। ठीक है, तो ये काय के लिए बनी थी? ये रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमेटी, जो इसके लिए जो ये बनाई गई थी। ठीक है, फिर कौन सी समिति आई? फिर आई रफीक जाकारिया समिति, ये 1963 में आई। ठीक है, ये कब आई थी? APN 1963 से 66 में, और ये भी 1963 में ही आई, लेकिन इनका काम अलग था। ये मिनी ट्रस्ट का से संबंधित कंपनी थी, ये ऑर्गनमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज से संबंधित थी। मतलब इनका काम भी यही था लगभग, जो फाइनेंस से संबंधित चीज़ें देखना। ठीक है ना, फिर इसके बाद आती है गिरजापति मुखर्जी, 1974। ठीक है, इनका काम क्या था? कमेटी ऑन बजटरी रिफॉर्म इन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, बजट से संबंधित थे ये लोग। ओके, फिर आता है ए के एन सहाय, ये आते हैं 1982 में। ठीक है, इनने क्या किया? स्टडी ग्रुप ऑन कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स एंड लॉज ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये इन लोगों ने इस संबंध में इन लोगों ने चर्चाएं की होंगी। ठीक है, फिर आते हैं सीएम कोरिया समिति में क्या हुआ? ये 1985 से 1988 में आई। ये नेशनल कमीशन ऑन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानी गई। ठीक है, इस यहाँ पर हमारा 74वां संविधान संशोधन लगभग ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मतलब जितनी भी कमेटियाँ बनी ये सारी वो कमेटियाँ हैं। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कि एक बार और ये सारी जो कमेटियाँ हैं ये समिति उसमें बनाई गई 74वें संविधान संशोधन में। 74वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ? ये लागू हुआ 1 जून 1993 से। तो ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।